तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकिता जी से। तो दोस्तों, आपके सामने आज एक और लाजवाब क्रिएशन लेके आए हैं। शायद ही आप लोगों ने कोई ऐसी क्रिएशन देखी होगी। हम लोगों ने पहले टू डोर रूबिकॉन बनाई थी, फोर डोर रूबिकॉन है। तो गाड़ी की आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाली हैं। जो भी भाई कॉन्टैक्ट करेगा ना, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर है, तो उसी के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट करना है। और इस गाड़ी की किसी को इंक्वायरी चाहिए तो उसका प्रोसीजर भी इस वीडियो के अंदर बताया जा रहा है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना, उसी के बाद ही आप हमारे से कांटेक्ट करना। तो जो गाड़ी है ये हम लोगों ने, सबसे पहले आपको इसकी कस्टमर डिटेल बता दूं, ये हम लोग हैदराबाद से लेके आए थे। आप इसका नंबर भी नोट कर सकते हो। ये गाड़ी मिस्टर वंशी की जी की है, जिन्होंने हमको उनकी 2008 मॉडल की बोलेरो प्रोवाइड करी थी। उसके बाद हम लोगों ने इस गाड़ी को मॉडिफाई किया था। तो दोस्तों एक चीज़ बता दें, हमारे पास कोई भी EMI लोन फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं होता। जो भी गाड़ियाँ बनती हैं सभी ऑर्डर बेसिस पे कस्टमाइज होती हैं, तो आप लोगों को ऑर्डर प्लेस ही करना पड़ेगा। नए क्रिएशंस देखने हो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, आपको वहाँ पे कंप्लीट सभी तरह के मॉडल सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो अब इसकी गाड़ी की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, उससे पहले आपको उसका वॉकअराउंड वीडियो देते हैं, उसके बाद इसकी सभी डिटेल्स आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। वॉकअराउंड वीडियो देखिए आप। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, 2008 मॉडल की बोलेरो हमारे को प्रोवाइड करी गई थी। उसके ऊपर हम लोगों ने उसका बॉडी शेल पूरा कस्टमाइज किया, गाड़ी के अंदर पूरा बॉडी शेल कस्टमाइज हुआ है। तो आपको सब पहले आगे से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको आ गया यहाँ पे एक मुस्टैच बम्पर, और आ गया ऊपर एक बुल गार्ड, और यहाँ पे दो कैप्स आ गए। ये पूरा कंप्लीट मेटल का आपको बम्पर बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक महिंद्रा की प्लेट आ गई। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने ये ग्रिल बनाई है, ये कस्टमाइज ग्रिल है आपके ऊपर। इसमें ऑप्शन, आप जैसा आप डिज़ाइन बोलेंगे वैसा हम लोग मेटल में आपको कस्टमाइज ग्रिल करके दे देंगे। चाहे तो एंग्री बर्ड हो, ग्लैडिएटर ग्रिल हो, जो भी आप डिज़ाइन बोलेंगे, या तो प्लेन हो। उसके बाद इसके अंदर LED प्रोजेक्टर लाइट्स लगा रखी है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स आ गए। तो ये कम्प्लीट जितना भी आपको ग्रिल देख रहे हो हैंडमेड है। इसके ऊपर हम लोगों ने लगा दी रूबिकॉन की स्टिकर। उसके बाद साइड फेंडर्स हैं, ये भी कंप्लीट मेटल के हैंडमेड डिज़ाइन है। तो इनको क्लियर वीडियो में इनका भी दिखाता हूँ आपको, उससे पहले बता दूँ तो ये बोनेट का जो फ्रेम है ये कंप्लीट हैंडमेड है, बनाया है। इसके ऊपर हम लोगों ने लैचेस लगा रखे हैं। अब मैं लैचेस खोल के दिखाता हूँ अंदर हमने क्या किया है। लैचेस हमने दिए खोल। अब आप देख सकते हो जैसे ये काफ़ी हैवी होता है, तो इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे शॉकर्स लगा रखे हैं ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद यहाँ पे पूरी गाड़ी के अंदर डैम्पिंग शीट लगा रखी है। कई भाइयों को पता ही होगा कि क्या यूज़ आती है, और जिस भाई को नहीं पता बता दूँ, इससे क्या एक तो गर्म कम होता है बोनेट, दूसरी बात नॉइस, जो इसकी जो इंजन की जो आवाज़ आती है वो काफ़ी कम आवाज़ आती है। तो इंजन और गेयर इसके अंदर ओरिजिनल 2008 मॉडल का है, जो हम लोगों ने कंप्लीट रिफर्बिश किया है। उसके अंदर जो काम करना था पूरा काम, स्पेयर पार्ट जो डालना था हम लोगों ने डाला, ब्रांड न्यू बैटरी डाली हम लोगों ने इसके अंदर। रेडिएटर इसमें, जैसे पहले ये नॉन AC गाड़ी थी तो इसके अंदर एक हैवी रेडिएटर आता है AC के लिए, वो लगाया। आगे कंप्रेसर यहाँ पे आ गया। इसके अंदर हम लोगों ने AC भी इंस्टॉल किया है। तो ये हो गई इसके अंदर। बाकी पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, पावर क्लच बोलेरो की सभी गाड़ियों में आता वही है। अब मैं आपको बोनेट नीचे कर दूँ, इसके और फीचर्स बताता हूँ। तो साइड फेंडर्स मेटल फेंडर्स है, बिल्कुल कस्टमाइज है। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर दे रखा है। एल्की बोल्ट टाइप्स का जो फेंडर्स आते हैं सेम वही डिज़ाइन हम लोगों ने इसके अंदर लगाया है। अब उसके बाद टायर साइज बता दूँ, इसके अंदर हम लोगों ने 33 इंचेस का टायर यूज़ किया, जिसका रिम साइज 15 है। तो आप देख लो काफ़ी हैवी टायर है 33 इंचेस में, जिससे क्या गाड़ी की लुक आप देख सकते हो एक बार कितनी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी कैरी कर रही है लुक।
इन टायर्स की वजह से। जैसे स्टील रिम्स इसके अंदर लगाए, स्टील रिम्स के ऊपर हम लोगों ने बॉडी कलर का सेम एक और प्लेट फिट करके इसके अंदर हम लोगों ने स्क्रू बोल्ट्स इसके अंदर फिट कर रखे हैं। अब यहाँ आ जाए डोर, जैसे डोर आपको पता है बोलेरो के दूसरे होते हैं, ये कंप्लीट डोर को कस्टमाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपको जो रैंगलर में मिरर्स आते हैं वो मिरर्स आ गए, तो कंप्लीट प्लेन डोर पैनल्स चेंज कर रखे हैं, यहाँ पे डोर हैंडल्स चेंज हो गए। फुटरेस्ट है, कस्टमाइज फुटरेस्ट है, मैं आपको नज़दीक ला के दिखाता हूँ इसके अंदर हम लोगों ने क्या डिज़ाइन कराया है। तो जैसे फुटस्टेप है, इसमें हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कस्टमाइज़ किया, इसके अंदर हम लोगों ने कटिंग कर रखी है, स्टार्स के डिज़ाइन दे दिए, और काफ़ी हैवी फुटस्टेप है, आप इसके ऊपर इजीली चढ़ भी सकते हो, काफ़ी स्ट्रांग है। और आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर हम लोगों ने 3 हमर लाइट्स लगा दी इसके अंदर, और बैक साइड है, बैक साइड का डोर भी कस्टमाइज है। अब जैसे ये पीछे का बम्पर है ना, ये भी कस्टमाइज है ताकि डोर के ऊपर ना लगे, तो इसमें हाफ पोर्शन इसका हम लोगों ने डोर के ऊपर कस्टमाइज कर रखा है, हाफ इसी के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं आती आपको, देखने में भी ऐसा लगा कि सिंगल पार्टीशन है। अब आप देख लो साइड में ये बारियां जो सेम है, बिल्कुल पीछे के ग्लासेस है, पिल के ये ग्लासेस बिल्कुल फिक्स है, बोलेरो में फिक्स ग्लासेस नहीं आते, एडजस्टेबल होते हैं, तो इसमें टफन करके हम लोगों ने ग्लास को इसके अंदर फिक्स कर दिया है। तो अब इसकी बैक साइड की डिटेल दे देते हैं आपको। तो बैक साइड आप देख सकते हो, पीछे का भी पूरी की पूरी विंडो हम लोगों ने कस्टमाइज कर रखी है, पीछे भी जो ग्लास आया पेस्टिंग टफन ग्लास है। 5th टायर हम लोगों ने इसके ऊपर लगा रखा है, बिल्कुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका स्टेपनी स्टैंड लगा रखा है हम लोगों ने पीछे जो डोर के अंदर फिक्स हुआ है, और डोर के अंदर ही इसके एंगल्स बनाते हैं हम लोग, जिससे कि ये इसकी जो ये वेट कैरी करने के लिए पूरा मतलब हैवी रहती है और पूरा सपोर्ट मिलता है। उसके बाद पीछे आप इसको ओपन कर सकते हो इजिली, तो आपको दिखा दें इसके अंदर पीछे हम लोगों ने क्या रखा है। पीछे यहाँ पे भी ये अंदर से लॉक हो जाती है, हालांकि गाड़ी के अंदर सेंटर लॉक लगा रखा है, ये पीछे से अंदर से लॉक हो जाएगी, ये पूरा पैनल इसके अंदर पीछे जो सपोर्ट लगा रखी है कवर हो गया, ऊपर यहाँ पे सीट आ गई। पीछे यहाँ पे एक सिंगल सीट है, एडजस्टेबल है, रिमूवेबल है, आप इसको निकाल भी सकते हो, निकाल के रख सकते हो, और आपको कैरी करने की बूट स्पेस ज़्यादा होती है, हालांकि 4 ही सीट इसके अंदर सही तरह से फिटिंग आती है, पर जैसे वंशी भाई ने बोला उनको एक एक्स्ट्रा सीट चाहिए ताकि वो रख सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो जैसे ही निकाल देंगे तो बूट स्पेस काफ़ी आ जाएगी, आप अच्छा सा सामान कैरी कर सकते हो कोई लॉन्ग टूर वगैरह पे आप जा रहे हो। और यहाँ पे पीछे 2 स्पीकर्स हम लोगों ने यहाँ इंस्टॉल कर रखे हैं, पीछे लगा रखे हैं, इनको आप अपने हिसाब से कहीं भी इनको एडजस्ट करवा सकते हो। उसके बाद पीछे पूरा का पूरा बम्पर कस्टमाइज्ड है, पीछे यहाँ पे रैंगलर की टेल लैंप्स लगा रखी हैं, 2 LED लाइट्स पीछे लगा रखी है, जो कि आपको नाइट में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आएगी, पीछे रिवर्स वगैरह ले रहे हैं, रिवर्स कैमरा हम लोगों ने यहाँ लगा रखा है। तो पीछे डोर कस्टमाइजेशन और पीछे का बम्पर कस्टमाइजेशन हो गया। अब आपको इसका अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं। दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको अंदर जो इसका डैशबोर्ड है, जो थार CRD में आता, जो हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल किया ब्लैक कलर का है, हालांकि इसके ऊपर हम लोगों ने स्टिचिंग कर रखा है ब्लैक कलर का क्लॉथ है, ये कोई पेंट नहीं है, पेंट क्या काफ़ी जल्दी पील ऑफ हो जाता है, तो ये पील ऑफ नहीं होगा, इसकी लाइफ 4-5 साल आपको इजीली आएगी, जो इसके ऊपर हम लोगों ने रेगजीन चिपका रखा है, तो ब्लैक कलर का रेगजीन है, हल्की सी व्हाइट कलर की इसके अंदर स्टिचिंग का डिज़ाइन दिया है। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन आ गई, यहाँ पे प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर है, टच स्क्रीन है, जिसके अंदर रिवर्स कैमरा आपको शो होगा, AC वेंट्स हो गए, जो ये सिल्वर कलर में जैसे गाड़ी का जो कलर है उसके साथ काफ़ी अच्छा मैच हो रहे हैं। अगली जो सीट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, ऑडी कार की सीट्स इसके अंदर हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक सीट है, बीच में गेयर कंसोल आ गया, आपको ओरिजिनल जो थार में आता वो इसका गेयर नॉब भी ब्लैक कलर जो हम लोगों ने इसके अंदर यूज़ किया है, क्यों गाड़ी के अंदर इंटीरियर के साथ काफ़ी अच्छा मैच करें। उसके बाद नीचे हम लोगों ने इसके अंदर ग्रास मैट्स लगा रखे हैं ब्लैक कलर की, ऊपर आपको मैं दिखा दूँ, ऊपर हम लोगों ने जो इसके ऊपर छत की पॉशिंग करी है पूरी सेम ब्लैक और सिल्वर कलर का ही यूज़ किया है। यहाँ पे आपको एक लाइट LED यहाँ की एक बीच में है, बीच में आपको हम लोगों ने इसके अंदर एक ग्लास लगा दिया जो आपको एक रूफ की टाइप काम देगा, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी रहेगी आपको यहाँ कहीं जा रहे हो, जिससे कि गाड़ी की लुक अच्छी आ रही है। बैक साइड का पोर्शन में जो सीट्स हम लोगों ने लगा रखी है, ये स्कॉर्पियो की सीट्स हैं, हैंडरेस्ट सीट्स हैं, तो आपको इजीली आप इसके ऊपर बैठ सकते हो, कंफर्ट सीट्स हैं, जो पीछे बैठते हैं उनके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। और आप देख सकते हो गाड़ी पूरी सेंटर लॉक है, और ये पावर विंडो का यहाँ पे बॉक्स यहाँ लगा रखा है, चारों के चारों विंडोज पावर विंडोज हैं, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, पावर क्लच, पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग सब इस गाड़ी में जैसे हमारी सभी थारों में आते हैं, इसमें 4-डोर का कर रखा है। और यहाँ पे इस साइड हम लोगों ने इसके अंदर जो जीप रैंगलर में जो आता है डीजल का टैंक का कवर, सेम वही का वो हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है। गाड़ी में टोटल 4 टायर 4 स्टील रिम्स हैं, सभी के ऊपर प्लेट्स लगी हुई हैं। और आई होप कि मैंने इसकी सारी डिटेल्स दी होंगी, इंजन आगे गेयर आपको पता है जो ओरिजिनल है वही है। और दोस्तों मैंने सारी इसकी डिटेल्स मैंने कवर करने की कोशिश की है, और कोई डिटेल्स अगर रह गई होंगी तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर आप चेक कर सकते हो। हाँ, इनकेस आपने शायद इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ काफ़ी कोई किसी ने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डाल रखी होंगी, अपनी मार्केट के भाई हैं किसी ने डाली होगी तो डाल ली होगी, शायद पता नहीं अपने को, पर गाड़ी अपने हैदराबाद ऑफिस से ही हम लोग ट्रांसपोर्ट पे ले गए, और ट्रांसपोर्ट से ही
अब ये गाड़ी कल हम लोग लोड कर देंगे गाड़ी को, और गाड़ी की जो इसकी प्राइसिंग है, प्राइसिंग अब मैं आपको बताऊं, जिस भी भाई को अपनी बोलेरो कस्टमाइज़ करनी है ना, सिंपल स्टेप है भाई, अपनी बोलेरो की RC, अपनी बोलेरो की फ़ोटो और अपना आधार ID की फ़ोटो हमारे को व्हाट्सअप कर दो, आपको हम सारी डिटेल्स दे देंगे। यह इसीलिए है कि फ़ोटो हम लोग इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि टाइम पास इंक्वायरीज 99% होती हैं, तो जिनकी वजह से क्या जेन्यून कस्टमर से भी हम लोगों का कॉन्टैक्ट करना नहीं हो पाता, इसलिए काफ़ी लोगों का होता है भाई आप फ़ोन नहीं उठाते, हमने वो ऑर्डर दे दिया, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये गलतफहमी ना हो, तो इसीलिए ये प्रोसीजर लगाया कि आप पहले गाड़ी की फ़ोटो, अपनी गाड़ी की RC की फ़ोटो और आपकी आधार फ़ोटो सब सेम होगी, आपको हम लोग सारी डिटेल्स दे देंगे कि बॉडी कस्टमाइजेशन का, टायर साइज़ का, पूरी की पूरी डिटेल्स देने का काम उसके बाद हमारा है, तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो शो हो रहा है उसके ऊपर आपको फ़ोटो भेजनी होगी, तो गाड़ी की फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उसके ऊपर क्लियर मिल जाएंगी, इसकी प्राइसिंग का मैंने बता दिया आपको, कैसा प्राइस पता चलेगा। तो गाइज़ इस गाड़ी को कंप्लीट करने के लिए अप्रॉक्स हमारे को 6 महीने का टाइम लगेगा, तो आप लोग जिस भाई को ऑर्डर प्लेस करना हो और या अपनी गाड़ी हमारे पास भेजनी हो, या तो हैदराबाद ऑफिस पे भेज सकते हो आप, या डब्बाली हमारे ऑफिस पे आ सकते हो, ऑफिस पे आके भी आप पूरी डिटेल्स ले सकते हो, आपको पूरी डिटेल्स दे दी जाएंगी, अगर कोई व्हाट्सएप पे नहीं शेयर कर रहा तो आप ऑफिस पे आके बात कीजिए। तो आई होप ये इंक्वायरी आपको क्लियर होगी होगी, और जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी हो, गाड़ी अच्छी लगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, जो भाई चैनल पे नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, हमारे यूट्यूब चैनल अंकिता जी, उसको सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।